विश्व बाघ दिवस पर राजधानी के एक निजी होटल में बाघ जागरूकता को लेकर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वहीं इस प्रदर्शनी का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव प्रशासन रंजन कुमार मिश्रा ने किया। वहीं इस मौके पर सचिव मुख्यमंत्री और मीनाक्षी सुंदरम ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि यह सराहनीय प्रयास है। अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर कंजर्वेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जिम कॉर्बेट जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है और ये अच्छा संकेत है और होपफुली ये वर्क आगे भी कंटिन्यू रहेगा। स्ट्रैटेजीज उसमें हर साल करते हैं और जंगल में आग लगने की समस्या ज़्यादातर पहाड़ों में है और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम है वो समस्या। हाँ, हैबिटेट कम होने के और पोचिंग की ये समस्या रहती है लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल रहा है इसीलिए टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है, तो मैं इसको ओवरऑल तो अच्छा संकेत ही मानता हूँ। वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव रंजन कुमार मिश्रा ने प्रदर्शनी को लेकर आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 साल से हम यह दिन मना रहे हैं, हम बाघ संरक्षण में कामयाब रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल टाइगर डे, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहा जाता है। 29 जुलाई 2010 से शुरू हुआ था, आज 12 साल हो गया है हमारे पास। और जिस प्लेस के साथ हम शुरू किए थे कि डबल होना चाहिए भारत में उसका संख्या, हमने 2018 में ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर हमने इकट्ठा हो रखे हैं। फिलहाल इस आयोजन की संस्था दून आर्ट काउंसिल ने बताया कि फियरलेस बाघ नाम से शुरू हुई यह फोटो प्रदर्शनी आगामी 16 अगस्त तक जारी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।